तो आज गणेशोत्सव के श्री गणेश का दिन है। अगले 10 दिन तक बप्पा घर घर में विराजेंगे। कोरोना संकट के बीच हो रहे गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र में खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। बीएमसी ने गणेश उत्सव को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं, और जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। सज चुका है बापा का दरबार। गणेशोत्सव का श्री गणेश कोरोना से बचना है, उत्सव मनाना है। मंगल मूर्ति पधार चुके हैं, गणेशोत्सव का श्री गणेश हो चुका है। सिद्धि विनायक से लेकर लाल बाग के राजा तक का दरबार तैयार है। हर बरस बापा का इंतजार बेसब्री से रहता है, लेकिन कोरोना संकट के बीच उत्सव मनाने के दौरान सावधानी भी बरतनी है। लिहाजा मुंबई नगर पालिका ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। मसलन 10 से 19 सितंबर तक मुंबई में धारा 144 लागू है। पंडाल में जाकर दर्शन करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकेंगे गणपति के दर्शन। पंडाल की मूर्ति 4 फीट और घरों में 2 फीट की होगी। सार्वजनिक गणेशोत्सव में 10 लोगों को अनुमति है। सभी 10 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी जरूरी है। आया भी गणपति, एसओपी है, नागपुर खंडपीठ ने कहा है, नीति आयोग कहते हैं, पीएम के ऑफिस से भी पत्र आया है, सब खबरदारी ले लो करके। हम खबरदारी भी ले रहे हैं, लेकिन मुंबई के लोगों के भक्ति का भाव जी। उनका अवमान होगा नहीं किधर, ये भी हम उसका ध्यान रखते हैं। महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक है जहां कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी। ऐसे में तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। बाजारों में ज्यादा लोगों की भीड़ ना जुटे, लिहाजा मुंबई में धारा 144 लगा दी गई। पूजा पंडालों में आकर लोग बापा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। विसर्जन के लिए भी प्रशासन ने खास इंतजाम किए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।